जहां एक तरफ टाइगर जयराम मातो की गूंज झारखंड ही नहीं देश की बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में देश के बड़े बड़े नेताओं के कैबिन में चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ छात्र नेता बनकर उभरे देवेंद्रनाथ महतो की भी चर्चा खूब जोरों पर है। आपने देखा ही होगा इस लोकसभा इलेक्शन में किस तरह उन्हें जब नामांकन करने हो गए तो उन्हें पुलिस उठा करके ले गई और जेल में बंद कर दिया। ठीक दो दिन पहले लगभग, जब चुनाव होने वाला उससे ठीक लगभग दो दिन पहले उन्हें छोड़ा जाता है और महज दो दिन के चुनाव प्रचार करने के बावजूद भी वो जो है लोकसभा इलेक्शन में लगभग 1,00,000 वोट लेकर के आते हैं। और ये जो है भले ही वो हार जाते हैं लोकसभा के चुनाव, लेकिन अपना एक छाप लोगों में छोड़ जाते हैं, अपना एक डर जो है विपक्षी दलों में वो बना चुके हैं। और इस बार वे सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, रांची के सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से वो इस बार JLKM ने उन्हें टिकट दिया है और वे चुनाव प्रचार पर जोरों से लग चुके हैं। अपने पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा के साथ वो निकलते हैं और लोगों में एक अपना अलग ही छाप, अपनी अलग ही पहचान छात्र राजनीति से उभरे इस शख्स ने बनाई है। इस लोकसभा इलेक्शन में वे सिल्ली में लगभग 40,000 से ज्यादा वोट वो लेकर के आए और अब ना जाने वो क्या खेल कर जाएंगे, क्योंकि इस बार वो सिर्फ दो दिन के लिए नहीं बल्कि जैसे ही JLKM ने उन्हें जो वहां का चुनाव का टिकट देने का ऐलान किया कि हाँ JLKM से देवेंद्रनाथ महतो सिल्ली से उतरेगा, वैसे ही वो चुनाव प्रचार पे जोरों से लग चुके हैं और गांव गांव घर घर जा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो JLKM को वोट दे, कैची चाप पर वोट दे करके उन्हें विजयी बनावे। और आपको बता दूं कि ये वही सिल्ली है जहां से विधायक के रूप में आजसू के जो अध्यक्ष है सुदेश महतो जी, वो वहां से विधायक है जो कि NDA गठबंधन के एक अहम भागीदार है। और अगर वो इस सीट से हार जाते हैं तो देवेंद्रनाथ महतो का कद कहां से कहां चल जाएगा इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि कल्पना सोरेन जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, उनकी पत्नी गांडे विधानसभा से विधायक के रूप में हाल ही में चुनी गई और वहां से JLKM के एक अल्पसंख्यक को टिकट दिया गया है और वहां भी टक्कर भारी होने वाला है। लेकिन बात हो रही है सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर एक और NDA गठबंधन के तरफ से, आजसू के तरफ से सुदेश महतो जी खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ विधायक रह चुके अमित कुमार महतो जी वो भी यहीं से चुनाव में उतरने वाले हैं। हालांकि उन्होंने JMM को त्याग दिया था, लेकिन वापस अब वो उसी JMM के पाले में जा करके वहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसकी स्वघोषणा भी हो चुकी है और अपने DPP हेमंत सोरेन के साथ एकदम हंसी खुशी फिर से फोटो डाला है। यही तो राजनीति है, आज छोड़ दिए कल फिर वापस आ गए, आज इसको गाली दिया कल उसी के पास फिर से मीठा खाने के लिए चले गए। खैर, राजनीति में उठापटक, मतभेद, मनभेद होते रहते हैं, लेकिन फिर वापस वो उसी राह पे चल देते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन देवेंद्रनाथ महतो ने जो अपना छाप छोड़ा है और अपनी जो मेहनत कर रहे हैं, लगातार जमीनी स्तर पे मेहनत कर रहे हैं, ये वाकई में डर ला चुका है विरोधी दलों में। हालांकि इस विधानसभा में अब कौन सा दल आगे आएगा, कौन सा दल बहुमत लाएगा या कौन सा दल किसके साथ गठबंधन करके चुनाव के बाद अपनी सरकार बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पहले तो दो कोणीय मुकाबला हुआ था जहां एक तरफ थी NDA तो दूसरी तरफ थी JMM। हालांकि आजसू साथ में नहीं लड़े थे, लेकिन इसके बावजूद भी अंदर खाने आजसू और BJP के बीच में ऐसा लगता था कि जैसे गठबंधन है, क्योंकि वो NDA ने अपना प्रत्याशी सिल्ली से नहीं दिया था, जिस कारण सुदेश महतो आसानी से वहां से जीत गए। लेकिन इस बार सुदेश महतो जी के सामने देवेंद्रनाथ महतो है और साथ ही साथ JMM का सपोर्ट पाकर अमित महतो जी फिर से चुनाव में उतरने वाले हैं। तो अब कांटे की टक्कर होने वाली है, त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है।
अब देखना ये है कि कौन जमीनी स्तर का नेता है जो लोगों के दिलों को जीत करके विधानसभा में पहुंचेगा और सिल्ली के जनता के विकास करेगी। हालांकि सिल्ली की जनता ने लोकसभा ने देवेंद्र नाथ महतो को अच्छी खासी वोट देकर ये संदेश दे चुके हैं। ऐसा लगता है कि मानो वो बदलाव चाहते हैं। वो विस्थापन के मुद्दों को लेकर मुखर है, वो छात्र राजनीति छात्रों के हितों को लेकर के मुखर है, वो लोगों के दुखों कष्टों को हरने के लिए मुखर है। अब क्या होगा ये सिल्ली की जनता आने वाले चुनाव में तय करेगी। जय हिंद, जय भारत, जोहार जोहार।